वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टॉपिक में हम लोग एक्सेल से रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक जिसका नाम है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ कि MIS क्या है, उसका यूज़ क्या है एंड पूरा उसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, बिल्कुल भी कोई भी वीडियो के पार्ट्स को स्किप ना करें वरना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करें। MIS गाइस एक्चुअली बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन भी रहता है कि MIS एक्चुअली है क्या। लोग पूछते हैं कि भाई MIS सिखाते हो क्या, MIS कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लासेस में सिखाते हैं क्या। फिर जॉब के रिक्वायरमेंट्स भी आते हैं कि MIS हर जगह ये MIS बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग से एक का कन्फ्यूजन निकाल देना चाहता हूँ गाइस कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो एक्चुअली जो है ना वही वो मतलब कोई एक पर्टिकुलरली कोई ऐसा कोर्स टाइप नहीं है। क्योंकि देखो लोग ना सर्च करते, इवन मेरे को भी बोलते कि सर आप MIS सिखाते हो क्या, MIS कोर्स सिखाते हो क्या। तो सबसे पहले आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि MIS जो है ना गाइस उसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डैट मीन्स डेटा में आपको खेलने आना चाहिए। इट मीन्स कि आप अपने डेटा को कितना सॉर्ट कर सकते हो, कितना कम से कम में सॉर्ट करके उसका एक फाइनल रिजल्ट तैयार कर सकते हो जिससे कंपनी के जो मैनेजमेंट होती है उसको कोई भी अगर एनालाइज करना है या कोई भी रिजल्ट देखना है तो वो उसको आसानी से दिख सके। अब वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है गाइस, MIS अब कोई भी फॉर्म में हो सकता है, एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, एडवांस फिल्टर हो गया, डैशबोर्ड हो गया, पाइवट चार्ट पाइवट टेबल हो गया, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ जो फंक्शंस है जिससे आप यूज़ करके अपने डेटा को सॉर्ट करते हो, बहुत ही छोटा बना के उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट आप डिस्प्ले करते हो, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज के टॉपिक में मैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करूँगा एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल के साथ, जिसमें मैं जो नया कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही रेयरली कोई भी क्लासेस में या कोई भी आपको ट्रेनर सिखाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट का नाम है गाइस पावर पाइवट। अभी पावर पाइवट को करने के लिए मैंने क्या किया, एक एग्जांपल तैयार करके रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने तीन शीट तैयार की है जिसमें एक है सेल्स लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट एंड कस्टमर लिस्ट। सेल्स लिस्ट में मैंने यहाँ पे एक डेटा तैयार किया है, सेल्स आईडी, डेट, कस्टमर की यहाँ पे आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पे क्या है उसका क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये सब मैंने तैयार किया है, ये इसकी सेल्स आईडी है, डेट, कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है, नेम है, साइज है उसका और यहाँ पे उसका प्राइस है। और कस्टमर लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कस्टमर आईडी है, यहाँ पे कस्टमर का नाम है, यहाँ पे जेंडर, उसका एरिया और उसका प्रोफेशन और यहाँ पे उसका सिटी, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए कि आप ये डेटा को मैं क्या करने वाला हूँ और कैसे ये कहलाएगा MIS। मैंने इसका स्टेप भी नोट्स बना के रखा है गाइस MS वर्ड में, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल में इसका ये स्टेप का डॉक फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, ओके। चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पावर पाइवट यहाँ पे मेरे एक्सेल में तो शो हो रहा है लेकिन ये आपके एक्सेल में शो नहीं होगा। तो आपको इसको सबसे पहले लाना पड़ेगा, लाने के लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको यहाँ पे नीचे एकदम लास्ट में ऑप्शन में आया, ऑप्शन में आ जाने के बाद आपको जाना एडिंग्स। एडिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवट फॉर एक्सेल। अभी जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कॉम साइड इन पे क्लिक करना है, गो पे जाना है। गो पे जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइवट फॉर एक्सेल इसको टिक करके यहाँ से क्या कर देना है, ओके। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ से आपका ये पावर पाइवट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेल्स लिस्ट में आना है। सेल्स लिस्ट में जो मैंने ये डेटा तैयार किया है इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आपके एक्सेल के होम टैब में आना है, इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पे जो टेबल को ऑप्शन का जो फॉर्मेट होता है उस पर आपको क्लिक करके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मेरा यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी फॉर्मेट में कन्वर्ट है।
देखो कभी भी गाइस टेबल को फॉर्मेट करने से फायदा ये होता है कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला में आप कोई भी जब आपका कोई फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो उसमें अगर ये टेबल आप सेलेक्ट करते हो ठीक है, तो एक बार आपने वो फॉर्मूला अप्लाई किया और टेबल भी सिलेक्ट हो गया और वो आंसर आ गया, लेकिन उसके नीचे जब आप कोई नया डेटा ऐड करते हो उस नया डेटा का जब आप आंसर डालोगे फॉर्मूला में तो क्या वो अपने आप आ जाएगा? यस, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखते हो, इसलिए करना ज़रूरी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको डिज़ाइन में जाना है, और डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे जो आपने टैब का नाम रखा है ये वही नाम आपको यहाँ पे टेबल नेम में लिख देना है, और सेम आपको हर एक इसके लिए रिपीट करना है। आपको सेम इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टेबल डिज़ाइन, और यहाँ पे आपको डालना है प्रोडक्ट लिस्ट, और सेम आपको कस्टमर लिस्ट में भी वही करना है, सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको इंसर्ट में जाके टेबल और लास्ट में डिज़ाइन में जाना है। उसको भी डिज़ाइन में जाके आपको क्या कर देना है, उसका नाम आपको चेंज कर देना है। ओके ठीक है, यहाँ पे जाके आपको क्या कर देना है, कस्टमर लिस्ट। तो ये है आपका पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है। ओके नाउ अब क्या करना है, आपको एक एक टेबल को सेलेक्ट करना है पहले। सेलेक्ट करने के बाद आपको पावर पाइवट में आना है। पावर पाइवट में आ जाने के बाद यहाँ पे ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करना है, और ये आपको रिपीट करना है प्रोडक्ट लिस्ट के लिए भी और आपके कस्टमर लिस्ट के लिए भी। इस तरीके से आपका ये तैयार हो जाएगा पावर पाइवट। मिनिमाइज़ कर दीजिए, प्रोडक्ट लिस्ट पे आइए, सेलेक्ट कीजिए, ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कीजिए, और मिनिमाइज़ करने के बाद वापस आप कस्टमर लिस्ट पे आइए और सेलेक्ट करके इसको ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक कीजिए। इतना जब आप कर लेंगे, जब आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि तीनों यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो गया, आपका सेल्स लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट एंड कस्टमर लिस्ट। ओके नाउ अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सेल्स लिस्ट सेलेक्ट किया है। मुझे यहाँ पे एक मंथ का कॉलम चाहिए ताकि मैं मंथ वाइज डेटा शो कर सकूँ कि मेरा जैन में क्या था, फेब में क्या था। अब यहाँ पे वो डेट यहाँ पे है, आप देख सकते हो डेट तो है, लेकिन मुझे इसको सिर्फ एज अ मंथ में यहाँ पे शो कराना है, लाइक जैन फेब मार्च अप्रैल। तो ये यहाँ पे मैं एक फार्मूला से इसको कर सकता हूँ बहुत इजीली। देखिए आप ये डेट को मंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसको रीनेम पहले कर लेते हैं हम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ्स, एंटर कर दीजिए, और एंटर करने के बाद यहाँ पे वो पूरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको लिखना है फार्मूला, क्या लिखना है आपको यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे आप लिखिए इक्वल्स टू फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन, ये डेट को सेलेक्ट कीजिए, कॉमा डबल डॉटर इन्वर्टेड कॉमा, ये फॉर्मेट डालिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, डबल कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए। तो ये क्या करेगा, इसमें का जो मंथ है वो आपका ये कन्वर्ट करके यहाँ पे शो करा देगा। आप देख सकते हैं जैन फेब मार्च अप्रैल सब यहाँ पे शो हो चुका है। ओके ठीक है, अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है गाइस, मुझे ना यहाँ पे ये जो टोटल ये क्वांटिटी है ना, ये टोटल क्वांटिटी एज अ फार्मूला से फाइंड आउट करना है, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में जो टोटल प्राइस है वो फाइंड आउट करना है ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा टोटल प्राइस कितना है और मेरा टोटल क्वांटिटी कितना है। ठीक है, तो ये पता करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं ये कर सकता हूँ। उसके लिए आपको आपकी जो एक्सेल की शीट होगी उससे मैं वापस आना है। वापस आने के बाद ये पावर पाइवट में मेजर्स में आना है, मेजर्स में आके न्यू मेजर्स में आना है, और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पे टेबल नेम में सेल्स लिस्ट ही लेना है आपको, और यहाँ पे आपको सबसे पहले उससे आप क्या निकालना है देखो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। ये जो सेल्स लिस्ट है इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइए, ये रहा सेल्स लिस्ट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी। ओके टोटल क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे सम। आपको पता ही होगा कि टोटल निकालने के लिए हम सम यूज़ करते हैं। अब इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, ये कौन सा है, सेल्स लिस्ट का आईडी है, तो आप यहाँ पे सेल्स लिस्ट सर्च करोगे, और ये क्वांटिटी है तो यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करोगे, क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज करोगे, चेक फॉर्मूला, नो एरर्स एंड ओके। तो ये बन गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको बनाना है वो बनाना है गाइस टोटल प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर दिया है, प्रोडक्ट लिस्ट लिखा है,
टोटल प्राइस इक्वल टू सम एंड प्रोडक्ट लिस्ट प्राइस सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट लिस्ट में ही है प्राइस, तो यहाँ पे वो लिखना है आपको। चेक फार्मूला, नो एरर्स एंड क्लिक ऑन ओके। अब ये दो बन चुका है आपका, टोटल क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस। अब एक नया और बनाना है आपको, इसलिए मेजर्स में जाएंगे। मेजर्स में आने के बाद यहाँ से आपको लेना है न्यू मेजर, और यहाँ पे आपको नाम लिखना है टोटल नेट सेल्स, ओके। और यहाँ पे हम ले लेंगे इसका सेल्स लिस्ट, फॉर्मूला में आपको अभी जो आपने जो दो कैलकुलेशन किया है उन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी जो निकाला था वो क्या निकाला था, टोटल क्वांटिटी निकाला था एंड टोटल ये निकाला था हमने, टोटल प्राइस, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लिस्ट टोटल प्राइस, ये जो मैंने निकाला था यहाँ पे आ चुका है। इसको सेलेक्ट करना है मल्टीप्लाई बाय सेल्स लिस्ट टोटल क्वांटिटी। चेक कीजिए फॉर्मूला, नो एरर्स एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूला क्या हो गया, तैयार हो गए हैं। अब गाइस आपको क्या करना है, डेटा टैब में आना है, और डेटा टैब में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे ये रिलेशनशिप्स में आना है, न्यू में आना है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक कनेक्शन क्रिएट करना है, मतलब कि जैसे कि क्रिएटिंग कनेक्शन बिटवीन टेबल्स, मतलब जिससे आप रिलेटेड डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स ऑन द सेम रिपोर्ट शो कर पाएँ। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा गाइस, तो उसके लिए मुझे करना क्या है गाइस, ये जो मेरा सेल्स लिस्ट है ना, इसको मुझे कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी इससे ना रिलेशन से लिंक कराना है, ताकि मेरा रिजल्ट शो हो सके, ठीक है। वो करना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी से ही उसका ये कनेक्शन आराम से उसका हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेल्स लिस्ट में आना है, और यहाँ से पहले आप ले लीजिए कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी के बाद आप यहाँ से ले लीजिए कस्टमर लिस्ट एंड यहाँ से ओके कर दीजिए, ओके। ओके करने के बाद वापस आपको आना न्यू, अगेन सेलेक्ट सेल्स लिस्ट, और अभी आपने लिया था कस्टमर, तब आप यहाँ से लेंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी ले जाने लेने के बाद यहाँ से लेंगे प्रोडक्ट लिस्ट एंड ओके। तब आप देख सकते हैं कि सेल्स लिस्ट का कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी से क्या हो गया, कनेक्शन आपका रिलेशनशिप हो चुका है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पाइवा पावेट है उस पर हम जाएंगे, और यहाँ से ये जो रिफ्रेश ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करके रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना है। सी इट्स शोइंग यू द सक्सेस, ऑल द सक्सेस हैज बीन कंप्लीटेड, जीरो कैंसिल एंड जीरो एरर, क्लोज। एंड हियर वी गो गाइस, देखिए हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला निकाला था, टोटल क्वांटिटी एंड टोटल नेट सेल्स, जो कि हमने ये सेल्स लिस्ट से कनेक्ट किया था। इसको थोड़ा ड्रैग कीजिए आप राइट साइड, ये देखिए टोटल क्वांटिटी भी आ गया और यहाँ पे टोटल नेट सेल्स भी आपका ये शो हो चुका है, ठीक है। फिर जब प्रोडक्ट लिस्ट में आएंगे, तो प्रोडक्ट लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए टोटल प्राइस हमने निकाला था, इसको भी आप ड्रैग करके चेक कर सकते हैं। हियर वी गो, सी गाइस, ये भी आ चुका है आपका टोटल प्राइस, ठीक है ना। अभी हमको क्या करना है, हमारे जो पावर पाइवट ये जो ऑप्शन है वो वाला हमारा, पहले पावर पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये पाइवट टेबल दिखेगा। अब यहाँ पे हमको फोर चार्ट्स बनाना है, ठीक है। तो हम फोर चार्ट्स में जाएंगे, और फोर चार्ट्स में आपको न्यू वर्कशीट लेके यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये एनालाइज पे जाके ये फील्ड लिस्ट पे क्लिक करना है, तो ही आपको ये दिखाई देगा, वरना आपको ये शो नहीं होगा। हर एक का जो यहाँ पे जो नाम है, इसको क्लिक करके हमको नाम चेंज करना है। ओके गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं कि चारों टेबल का नाम मैंने चेंज कर दिया है, सिटी वाइज, प्रोफेशनल वाइज, मंथ वाइज एंड कैटेगरी वाइज। अभी ये जो पावरफुल टूल है, जिसमें मैं जो डायग्राम बनाऊंगा ये बनाऊंगा गाइस, कि मुझे देखना है कि सिटी वाइज मेरा टोटल नेट सेल क्या है, प्रोफेशनल वाइज मेरा टोटल नेट सेल क्या हो रहा है, मंथ वाइज मेरा टोटल नेट सेल क्या है, और कैटेगरी वाइज मेरा टोटल नेट सेल क्या है। तो यहाँ पे सिटी वाइज है, सिटी मेरा था कस्टमर लिस्ट में, मैं सेलेक्ट करूँगा सिटी, और ये सिटी सेलेक्ट करने के बाद सेल्स में जाऊँगा, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा टोटल नेट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायग्राम तैयार हो जाएगा। प्रोफेशनल वाइज के लिए सेलेक्ट करूँगा, कस्टमर लिस्ट में आऊँगा, प्रोफेशनल लूँगा, ड्रैग करूँगा, सेल्स लिस्ट में जाने के बाद टोटल नेट सेल्स, ये हो गया मेरा दो डायग्राम तैयार। कैटेगरी वाइज में जाऊँगा, कैटेगरी वाइज में जाने के बाद अब यहाँ पे
कैटेगरी आपको प्रोडक्ट लिस्ट में मिलेगा कैटेगरी, और टोटल नेट सेल आपको मिलेगा सेल्स लिस्ट में आके टोटल नेट सेल्स। उसके बाद द लास्ट मंथ वाइज आपको याद होगा मैंने सेल्स लिस्ट में नया कॉलम बनाया था मंथ्स का और टोटल नेट सेल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा चार ये जो टेबल है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ, क्योंकि अभी हमें स्लाइसर्स भी इसमें ऐड करना है गाइस, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। इस तरीके से मैंने क्या किया, मेरे चारों टेबल को एडजस्ट कर दिया। ओके ठीक है गाइस, अभी स्लाइसर ऐड करने के लिए आपको एनालाइज पे जाना है, और एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर में जाने के बाद आपको यहाँ पे आना ऑल में। ओके अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा एरिया, उसके बाद प्रोफेशनल, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा मंथ्स। ठीक है, हमने वही लिया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि हमने जो लिया था वही यहाँ पे आ जाएगा आपको, जो जो मैंने सेलेक्ट किया था आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वो प्रोडक्ट कैटेगरी एरिया और मंथ्स लिया था। मंथ्स आ गया, उसके बाद कैटेगरी आ गया, एरिया आ गया और प्रोफेशन आ गया। ओके और यहाँ से आपको क्या कर देना है, सिंपल ओके कर देना है। ओके अच्छा, ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके स्लाइसर्स आ चुके हैं। अब आपको इसको अरेंज करना है, और यहाँ पे आपको ऐसे इसको रखना है। ओके ओके गाइस, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह आपका स्लाइसेस आ चुका है। अब आपको हर एक स्लाइसेस पे राइट क्लिक करना है, रिपोर्ट कनेक्शन एरियाज पे आना है, और यहाँ से आपको ये सारे जो आपके चार्ट्स हैं उनको ओके कर देना है, और सेम चीज़ आपको सारे स्लाइसर्स पे करना है। रिपोर्ट कनेक्शंस सेलेक्ट सेलेक्ट एंड सेलेक्ट एंड ओके। सेम चीज़ अब आपको यहाँ पे भी करना है, और रिपोर्ट कनेक्शन पे जाना है, सेलेक्ट सेलेक्ट एंड ओके। और यहाँ पे भी सेम आपको करना है, राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, सेलेक्ट सेलेक्ट एंड सेलेक्ट एंड ओके। उसके बाद अभी गाइस हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चार्ट को हम इसमें क्रिएटिविटी भी कर देते हैं। डिज़ाइन में जाना है आपको, और डिज़ाइन में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं, इसमें आप ये चेंजेस कर सकते हो। इसको चेंज चार्ट टाइप में जाके कोई और चार्ट बना सकते हो, इसको हम बार चार्ट बना देते हैं। ओके और कैटेगरी रहने देते हैं, और इसको चेंज चार्ट टाइप में जाके हम इसको वही रहने देते हैं, लाइन डायग्राम नहीं, बार पाई चार्ट भी नहीं, ठीक है इसको बार डायग्राम में कन्वर्ट करके ओके कर देते हैं, और इसका ये चार्ट टाइप चेंज कर देते हैं स्टाइल लुक वाइज। फिर से थोड़ा डिफरेंट लगेगा, और ये इसको भी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं गाइस, चेंज कलर्स में जाके जो भी कलर आपको पसंद है तो आप यहाँ से कलर लेके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी इतना करने के बाद आई नो गाइस आप भी मेरी तरह एकदम एक्साइटेड हो इसके आउटपुट के लिए। अभी सी, अभी यहाँ पे गाइस आप देखना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल कि अगस्त मंथ में, ओके तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया अगस्त, अगस्त मंथ में आपका यहाँ पे देखिए ये शो करेगा कि नॉर्थ वेस्ट मिडल ईस्ट ड्रिंक्स जेली स्नैक्स अनप्रोफेशनल प्रोफेशनल जो भी। अभी आप देखना चाहते हो कि आपकी कंपनी को आप दिखाना चाहते हो कि डेटा भाई कि अगस्त मंथ में आपका जेली कितना सेल हुआ था, तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं रहा क्योंकि उस अगस्त मंथ में आपका कुछ सेल हुआ ही नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे पहले मैं आपको एक क्लियर करके दिखाता हूँ गाइस, ठीक है ये क्लियर किया मैंने। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया जली, जब आप ये जली सेलेक्ट करेंगे तो ये खुद आपको दिखाएगा कि जैन जुलाई मई नवंबर सिर्फ इसी मंथ में इसका सेल हुआ, अगस्त में हुआ ही नहीं था, तो इसलिए जब मैं अगस्त कर रहा तो यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं ये पूरा आपको शो करा रहा है कि आपका जो जली जो सेल हुआ जैन जुलाई मई नवंबर, ये रहा सबसे ज़्यादा सेल कभी हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं मई मंथ में हुआ है आपका ये
1439, और इसमें भी सेम ही है ऑलमोस्ट आपका मई और नवंबर में, ठीक है। एंड अभी फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं सिर्फ सैलरीड पर्सन उन लोग ने कितना लिया है ये जेली, तो आप सैलरीड पे क्लिक कीजिए एंड हियर वी गो, सी कितना पावरफुल टूल है गाइस। 1 सेकंड में आपको टूल बना के देगा कि सैलरी पर्सन का ये रेशियो दिखा रहा है सिर्फ सैलरी का और ये जली का। और सैलरी पर्सन ने जो लिया है वो जुलाई और नवंबर में लिया है, मुंबई एंड चेन्नई में सेल हुआ है। क्लियर कीजिए और यहाँ पे क्लियर कीजिए। अब आप फॉर एग्जांपल अपने जो रिपोर्ट्स वो देखना चाहते हो सितंबर मंथ का, तो सितंबर पे क्लिक करो। सितंबर में आपके जो सेल हुए थे वो हुए थे ड्रिंक्स के, अनएम्प्लॉयड्स के और नॉर्थ एरिया में सेल हुआ था। इसको भी आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। एंड फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयड पीपल्स का क्या सीन है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। उसमें आप देख सकते हैं उनका जो सबसे ज़्यादा रेशियो वो मिडल नॉर्थ ड्रिंक्स का यहाँ पे शो हो रहा है। नॉर्थ का खाली चेक करें तो नॉर्थ पे क्लिक कीजिए, तो इस हिसाब से डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर करना है तो क्लियर कीजिए। एक लास्ट में और आपको शो करा देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया स्नैक्स का, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा स्नैक्स का क्या हुआ है, तो स्नैक्स पे क्लिक करूँगा। और स्नैक्स मेरा अप्रैल दिसंबर जून ये 3 मंथ में से सबसे ज़्यादा मेरा सेल हुआ था दिसंबर मंथ में, और इसे सबसे ज़्यादा लिया सैलरीड पीपल्स ने, और मुंबई में सबसे ज़्यादा इसका सेल हुआ है। ठीक है गाइस, क्लियर करना है तो आप हिसाब क्लियर कर सकते हैं। तो ये था पावरफुल टूल, इसी को ही हम कहते हैं MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आप डेटा को एकदम सॉर्ट करके अच्छी तरीके से आप कंपनी के मैनेजमेंट को ये आउटपुट शो कराते हो, जिसमें आप पूरे साल का डेटा एक साथ एक कोई भी वेस के थ्रू, लाइक वो पाइवट चार्ट हो, पाइवट टेबल हो, पावर पाइवट हो, एच लुकअप वी लुकअप हो, किसी के भी थ्रू उसको सॉर्ट करके आप शो कराते हो। यहाँ पे देखो कितना अच्छा ये आपने डेटा है प्रेजेंट तैयार किया है 4 पाइवट टेबल का, जिसमें आप कंपनी को बता सकते हो, अगर कंपनी देखना चाहे कि भाई उसका कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा सबसे ज़्यादा डिमांड है, कौन से लोग खरीद रहे हैं, कौन से एरियाज में सबसे ज़्यादा चल रहा है, वो सारी चीज़ आपने एक ही टेबल में तैयार करके शो करा दिया। तो होप्स आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं, मैं वो डाउट्स आपका क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।